बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 9 बेटे। चैप्टर नंबर 9 के हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करो। शाबाश, आप पढ़ें। इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म। जी बेटे, ये एमसीक्यूज मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि प्लांट्स में फूड जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है बेटे? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो किस में होती है? सुक्रोज में बेटे, क्योंकि हमने पढ़ा था जो फूड बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? ग्लूकोज। जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है वो सुक्रोज। जो फूड स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है बेटे, तो कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन, सुक्रोज बेटे। जी नेक्स्ट, स्टोमा क्लोज देन गार्ड सेल्स। जी, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं या स्टोमा बंद हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स क्या करते हैं बेटे? लूज वाटर। जी, गेन क्लोराइड आयंस। जी, बिकम टर्जिक। जी, गेन पोटेशियम आयंस। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? लूज वाटर बेटे। जैसे ही स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स है वो वाटर लूज करते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं स्टोमेटा। अगर वो क्लोराइड गेन करते हैं तो फिर वाटर भी आएगा, वाटर आएगा तो दे विल बिकम टर्जिड और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जी बेटे नेक्स्ट, आप पढ़ें। जी, हमने पूरा पाथवे जो है ना वो सॉइल थ्रो द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर, पूरे का पूरा हमने एक जो है ना वो पाथवे सिलेक्ट करना है। जी स्टार्ट करें। जी ठीक है, ठीक है। जी देखें जरा, एंडोडर्मस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मस, गलत कर गया ना, एंडोडर्मस से कहानी शुरू कर रहा है। जी एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाद डायरेक्ट एंडोडर्मस में चला गया, गलत। देखें गलत कर गया ना, रूट हेयर्स, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, फिर जाइलम, आगे एंडोडर्मस उसके भी बाद आई, गलत हो गई लाइन। रूट हेयर्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, इंटरसेलुलर स्पेसेस इन मेसोफिल सेल्स और स्टोमा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? डी ऑप्शन, ये पाथवे ठीक है। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स के बाद एपिडर्मस नहीं लिखा क्योंकि रूट हेयर्स ही एपिडर्मस है। उसके बाद कहाँ चले गए हम? कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मस, जाइलम टिश्यूज में, इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड इन मेसोफिल सेल्स एंड स्ट्रोमेटा। जी बेटे, व्हेन द फाइब्रिनोजन मेक्स ब्लड क्लॉट्स इट सेपरेट फ्रॉम द ब्लड एंड द रिमाइंडर इज कॉल्ड, क्या बच जाता है जब हम फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट बना दे? फाइब्रिनोजन क्या है बेटे? प्रोटीन। फाइब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जब ये जम जाती है, ब्लड क्लॉट बना देती है, तो उसके अंदर से जो बाकी फ्लूइड बच जाता है बेटे वो क्या बचता है? नहीं बेटे, दैट इज सीरम, दैट इज सीरम, सी ऑप्शन, सीरम बचता है। सीरम बेटे ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी प्रोटीन हटा दी जाए, जिसमें से प्रोटीन भी प्लाज्मा में, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है ना, जब प्लाज्मा की बात करेंगे तो उसमें फाइब्रिनोजन होगी या नहीं होगी? होगी, लेकिन आज तो फाइब्रिनोजन को हमने क्लॉट बना के साइड में कर दी है, तो इसका मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं है, तो प्लाज्मा प्लाज्मा कहलाने के काबिल। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा पोर्शन हमारे ब्लड का जो बच जाए आफ्टर द प्रोटीन कोगुलेशन, प्रोटीन रिमूव कर दें, सेल्स भी रिमूव कर दें, तो क्या चीज बचती है पीछे बेटे? सीरम बचता है। क्या बचता है? सीरम। जी, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द ह्यूमन ब्लड, ब्लड सेल्स के बारे में सही बात क्या है? हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल्स बेटे, क्या उनका थोड़ा सा दौरानिया होता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस, आर मल्टी न्यूक्लिएट, तो क्या बात इनके बारे में दुरुस्त है? ए ऑप्शन बेटे, दे हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, कितना होता है इनकी जिंदगी का दौरानिया? 4 months, अबाउट 120 days, अबाउट 120 days। फेगोसाइटोसिस ये नहीं करते, व्हाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं, एंटीबॉडीज भी व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, ये तो इनके अंदर तो एक न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये तो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में तीन लेयर्स पड़ी थी बेटे याद है? आउटर कनेक्टिव टिश्यू की, मिडल स्मूथ मसल्स की और इनर एंडोथीलियम। तो ऐसी कौन सी लेयर है जो तीनों किस्म की ब्लड वेसल्स में होगी? एंडोथीलियम ही है बेटे। तो कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज नंबर देखें, क्या कहते हैं? व्हेन डू द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारे एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बिफोर द डायस्टोल, डायस्टोल से पहले। हमें पता है कि डायस्टोल तो वेंट्रिकुलर सिस्टली के बाद, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बाद पूरे हार्ट के मसल्स ने रिलैक्स होना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है आफ्टर सिस्टली, सिस्टली के बाद, ड्यूरिंग सिस्टली, सिस्टली के दौरान, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डायस्टली या ड्यूरिंग सिस्टली। जी बेटे हमारे एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ड्यूरिंग ड्यूरिंग सिस्टली, सिस्टली में मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, डायस्टली में हमेशा मसल्स ने क्या होना है? रिलैक्स।
ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन में डायस्टली है, रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन तो होगी नहीं, और बी वाले में आफ्टर सिस्टली है, तो वो भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बना बेटे? डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन बना? डी, ड्यूरिंग सिस्टली, सिस्टली के दौरान हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द एडल्ट ह्यूमन? जी बेटे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में, ऑल ऑफ द अबव, सब में कहता है डीऑक्सीजनेटेड। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? सोचे जरा, लेफ्ट एट्रियम हमें पता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी हमें पता है, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी थी जो हार्ट की, वो हार्ट से ब्लड लेके किसकी तरफ जाती है? लंग्स की तरफ, और उसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वाहिद आर्टरी थी। पल्मोनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो ऑल ऑफ अबव वैसे गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बेटे? डी ऑप्शन, पल्मोनरी आर्टरी, इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी ब्लड फ्रॉम कौन से, कहां से कहां, कौन से चैंबर से? राइट वेंट्रिकल से कहां लेके जाती है? लंग्स की तरफ। Which of the following chamber has the thickest wall in the human heart? बेटे जी, ये तो आपने MCQ side box में पढ़ा था। C, कौन सा बना बेटे? Left ventricle is the largest and the thickest chamber in the heart. Which of these statement is correct about the circulatory system? It transport hormones. क्या हमारा circulatory system hormones को transport करता है? Yes, plasma में पढ़ा था ना, hormones भी होते हैं, वो भी transport होते हैं। Capillaries have the thicker walls than veins. कैपिलरी की दीवारें मोटी होती हैं वेन्स की निस्बत? नहीं नहीं नहीं, कैपिलरी की दीवारें तो पतली होती थी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स? नहीं, सिस्टेमिक तो बॉडी की तरफ लेके जाती है। ऑल ऑफ ऑल आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ बेटे? ए। क्या मतलब? कि हमारा जो ब्लड है वो हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी कोई काम नहीं करता जो यहाँ पे लिखा है। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग टिश्यू अकर्स इन बेटे, कहाँ पे होता है? कैपिलरीज में। मैंने पढ़ाते में बताया था, कैपिलरीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सचेंज वेसल्स, कैपिलरीज आर आल्सो कॉल्ड, क्योंकि कैपिलरीज की दीवारें बेटे सिंगल सेल्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? सिंगल सेल्स की। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट बेटे? ल्यूकोसाइट की कौन टाइप है? लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स? सारे बेटे, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स है ना बेटा। ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, फिर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो डी ऑप्शन बेटे, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्लड? हमारे ब्लड का क्या काम है? इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। क्या ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है ब्लड? यस, करता है। गर्मियों में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाती है, फूल जाती हैं हाथों के ऊपर, पांवों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो उसकी सर्कुलेशन बढ़ा दी जाती है स्किन में, और जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो स्वेट के जरिए, पसीने के जरिए, इवेपोरेशन के जरिए वो निकल जाती है बॉडी से, ठीक है। और हमारा जो ब्लड है वो फिर बॉडी को कूल करता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो ब्लड के थ्रू स्किन में आती है लेयर्स में, और स्किन से जो है वो स्वेटिंग के जरिए इवेपोरेट हो जाती है हमारी हीट, ठीक। और जो जब हमारी स्किन ठंडी होती है तो उसमें ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड है, तो ब्लड ठंडा होता है, फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है बेटे? रेगुलेट। सर्दियों में ब्लड वेसल्स नजर नहीं आती, सर्दियों में ब्लड वेसल्स नजर, ताकि हमारी स्किन की जो ब्लड सप्लाई है वो कम कर दी जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सुकड़ जाती है। गर्मियों में ये जरा फैल जाती है। तो इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट, वेस्ट मटीरियल भी ब्लड में ही होता है? यस, होता है। इट प्रोवाइड डिफेंस, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी है, डिफेंस भी है, हमारी फौज भी ब्लड में ही है। यस, व्हाइट ब्लड सेल्स उसी में। ऑल ऑफ अबव, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? ऑल ऑफ अबव, सारे काम हमारा ब्लड करता है। वेल्व्स आर प्रेजेंट इन द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड आर फाउंड इन, कौन सी ब्लड वेसल्स में वेल्व्स थे बेटे? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ऑल ऑफ द अबव। आर्टरीज में थे या वेन्स में थे? वेन्स में बेटे, जो लार्जेस्ट बड़ी बड़ी वेन होती है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनमें वेल्व्स लगे होते हैं। तो V से valve, V से veins याद करवाया था मैंने, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? B, veins में valves होते हैं, veins में। Plasma is made up of, plasma किस चीज से बनता है? Water तो main था उसमें, और क्या था? Metabolites थे, waste था, salts and ions थे, proteins थी, all of the above, तो कौन सा ऑप्शन बना बेटे? All of the above, D. Which of these are responsible for the blood clotting? खून के जमने के लिए कौन से cells help करते हैं? Platelets, erythrocytes, erythrocytes कौन थे? रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, बेसोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो कौन से सेल्स बेटे? प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन, ये हेल्प करेंगे ब्लड क्लॉटिंग में। फाइंड द करेक्ट पाथ ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, फाइंड द करेक्ट पाथ ऑफ द, इधर देखिए हम हार्ट बना लेते हैं फोर चैम्बर वाला, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जरा देखते हैं इसमें सर्कुलेशन कहता है, इधर देखो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स नहीं, ये यहां से तो बॉडी की तरफ जाते, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लंग्स लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द बॉडी, ठीक है सी देखते हैं हो सकते हैं सारे ठीक हो आगे वाले। लेफ्ट एट्रियम से किधर चले गए, लो जी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल इधर यूं ब्लड देना शुरू कर गए हम, गलत हो गया। राइट एट्रियम से सीधा एट्रियम से लंग्स में पहुंचा दिया बेटे, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन बेटा। अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए, उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए है। कैन बी गिवन द ब्लड ऑफ द डोनर हु हैज, डोनर आया है, हम किस बंदे का ब्लड दे सकते हैं, ए वाले का ए वाले को दे सकते हैं, यस। एक और भी बंदा था जो सबको कुछ ना कुछ दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो कौन कौन सा डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए और ए बी हो, एक ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो या ए हो ओनली या बी हो ओनली, तो कौन सा ऑप्शन बेटे, बी ए और ओ, यानी के बी ऑप्शन, ए वाला ब्लड भी दे सकते हैं और ओ वाला भी, क्योंकि हमें पता है ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, कुछ ना कुछ दे देंगे। द डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यूज इज कॉल्ड, कल ही पढ़ा हमने मायोकार्डियल इंफॉक्शन, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट अटैक, यही पढ़ा था ना मायोकार्ड। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या थी, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या थी, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, थैलेसीमिया क्या था, कोलेज एनीमिया, इसमें तो हमारी जो हीमोग्लोबिन बनती है वो ठीक नहीं बनती, जिसके नतीजे में हमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और मायोकार्डियल इंफॉक्शन में हार्ट टिश्यूज की डेथ हो जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द मिसमैच्ड ब्लड इज इंजेक्टेड इन द रेसिपिएंट, क्या होगा अगर हम किसी बंदे को गलत ब्लड लगा दें। देखो दो केसेस हो सकते हैं, मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी, जो आने वाला ब्लड है उसके ऊपर एंटीजन होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा आपस में जब रिएक्शन होता है, तो क्या लफ्ज बोला था, क्या हो जाती है, एग्लूटिनेशन कोएगुलेशन, एग्लूटिनेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, पहला चांस ये है मेरी बॉडी की एंटीबॉडीज आने वाली एंटीजन, या ऐसे भी तो हो सकते हैं आने वाली एंटीबॉडीज और मेरी बॉडी की, तो ये दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। अब पढ़ लेते हैं, कहते हैं एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट ब्लड डिस्ट्रॉय द डोनर आरबीसी, यानी जो लेने वाला है उसकी एंटीबॉडीज देने वाले की एंटीजन को या आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, कर सकती है। एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर ब्लड, जो देने वाला है उसकी एंटीबॉडीज रेसिपिएंट के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दे, कर सकती हैं। बोथ कैन हैपन, यस, नन ऑफ दिस हैपन्स एंड सच ट्रांसफ्यूजन कैन बी सेफ, नो, कहते हैं अंधे तुम ब्लड लगा दो सेफ है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बेटे, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप एक दफा देख लीजिएगा, तकरीबन सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बुक एक्सरसाइज बुक के अंदर से मिल जाएंगे, तकरीबन कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जिसका जो है ना वो आंसर आपको ना मिले, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वो भी और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेटे, ये टर्म सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने प्रिपेयर करनी है, एक्टिविटीज़ आपकी जो है ये आपके उसमें प्रैक्टिकल वर्क में शामिल हैं। फिर उसके बाद बेटे लास्ट पे क्रेडिट्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग लिखी हुई है आपकी, ये पेज नंबर 209 के ऊपर, ये बेटे वो बुक्स हैं जहाँ से आप, ये वो लिंक्स दिए हुए इंटरनेट के लिंक्स हैं कि जिन जिन बुक से आपकी बुक के अंदर जो मटेरियल है ये वहाँ से हमने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों से निकाल के आपके ये बुक बनाई है, ठीक है। जो मेन बुक्स थी वो ये हैं, उन बुक्स में से जो टॉपिक्स निकाल के आपकी बुक बनाई गई है यहाँ से डाटा लिया है हमने, और ये लिंक फॉर फोटोज़ जितने भी आपकी बुक में फ़ोटोज़ हैं उन इन तमाम लिंक्स यहाँ से आप ले सकते हो, अगर देख सकते हो किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।